ये बताइएगा कि हमारे अगले जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं साहब जी के हवाले से, उसमें कुछ रोशनी डाली है और मजीद जो बेचैनी की जो कैफियत है विड्रॉल के हवाले से, असल में सबसे जो इम्पोर्टेंट था ना, हमने अनाउंस किया था कि 14 अगस्त को हमारी एयरलाइन आएगी, तो वो जाहिर है अब 14 अगस्त तो आ गई, अभी हमारी एयरलाइन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो मेरे केसेस की वजह से, मेरा NIC ब्लॉक होने की वजह से, उसके ऊपर नई कंपनी या नया प्रोसेस नहीं हो रहा। जो दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था ना किर्गिस्तान का, मैं भी किर्गिस्तान एम्बेसडर को मिल के आया, किर्गिस्तान एम्बेसडर चेंज हो गई और वहाँ पे ना हमने एक एग्रीमेंट किया है, वहाँ की एक एयरलाइन है जो कि उमरे के लिए जाएगी, बाकू से उमरा, और बाकू से वो इस्लामाबाद, लाहौर और इसके लिए इस्लामाबाद के लिए ना तीन फ्लाइट हुआ करेंगी, क्योंकि हमारे 40,000 प्लस स्टूडेंट हैं, तो वो हम एक डोमेस्टिक एयरलाइन शुरू करने जा रहे थे और अल्लाह ताला ने हमें डायरेक्टली इंटरनेशनल दे दी है। ये भी एक अल्लाह का करम है कि अगर हमारी लिए कुछ रुकावटें आती हैं या कोई परेशानी आती है, क्योंकि हमारा बिलीव तो अल्लाह पे है ना, जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है, और वो जो डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए हम इतनी एफर्ट्स कर रहे थे और लोग इतने खुश थे, इंशाल्लाह ये अभी जैसे ही वहाँ पे किर्गिस्तान में भी उनकी हुकूमत भी चेंज हो गई थी, नहीं तो जो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट थी जो एज ए कॉन्सलेट जनरल कराची के लिए, ज़ाहिर है जब मैं कॉन्सलेट जनरल बनूंगा तो फिर मैं कराची जा रहा हूँ। क्या आपको नहीं, आपको तो सेंटर की भी ऑफर हुई थी ना, जो आपको गिला है कि मैं कराची नहीं आता, इंशाल्लाह ये केसेस मैक्सिमम 17 को डेट है या उससे आदि एक आधा डेट और आया, आपसे क्या बताऊं, डिसीजन केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी शख्सियत की माशाल्लाह इतना लोग ट्रस्ट करते हैं ना। नहीं, वो लोग कहते हैं कि ग्रुपों में लड़ रहे होते हैं, ग्रुपों में लड़ रहे होते हैं और जब मुझसे मिल के जाते हैं ना तो फिर पुरसकून हो जाते हैं। नहीं, दरअसल आप बॉस को परेशानी नहीं है, अपने विजन में क्लियर है ना, आपका जो माशाल्लाह जो टारगेट है ना वो अल्लाह की रजा है, आप देखें माशाल्लाह आपके बिजनेस में कोई पार्टनर नहीं, सिर्फ अल्लाह है। मैं पिछले 5 साल तक जाता हूँ तो अच्छा, हमारा ये भी था आपका, आपने फरमाया था कि ट्रेंड में हम लाएंगे, ट्रेंड का था लेकिन वो उसमें भी करप्शन बहुत है, खान बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं तो हम उस चीज़ से अवॉइड करते हैं, जब काम शुरू ही करप्शन से हो तो फिर तो हमारे अजीम जो है मेंबर्स 6 लाख जो बनने जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह ये जो सिर्फ केस का डिसीजन होने की देर है, ये विद इन 2 मंथ जो है ना ये 10 लाख से ऊपर चले जाएंगे, कोई शक नहीं। तो ये सिर्फ लोगों को, असल में 80% जो लोग हैं ना वो अब लीडर्स मिसगाइड कर रहे हैं, वो वेट करा रहे हैं कि जी बैंक से विड्रॉल मिलेगा तो फिर काम शुरू होगा, तो इंशाल्लाह जहाँ 8 महीने पैसे तो पैसे होते हैं, वो कंपनी बैंक से भी आ जाएगा थोड़े ही दिन है, ज्यादा ज्यादा 17 को डेट हो जाएगी, 17 के बाद हो सकता है मैक्सिमम डेट देंगे जजमेंट की, क्योंकि ज़ाहिर वो जजमेंट सेम डे में नहीं आती, नेक्स्ट डेट में लिखी जी, बिल्कुल प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर होता है इंशाल्लाह। ये अब 8-9 महीने हो गए हमें सफ़र करते हुए, 9 महीने बाद वैसे ही बच्ची बच्चा हो जाता है तो अभी रिजल्ट आने वाला है इंशाल्लाह, मिठाई खिलाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, थैंक यू सर।